रब जाने की सरकारा नशे दा लक कदों तोड़न गिया, नशे दी सप्लाई कदों तोड़न गिया। कहंदे पहले दिन तो ही नशे दी तोड़ नूं तोड़ दिंदी। ते बहुत सारे लोकां दा सी नशा छुड़ा सकदियां, चाहे वो चिट्टा होवे, चाहे फीम होवे, चाहे पुक्की होवे, कैप्सूल इंजेक्शन, मतलब कोई भी नशा होवे, असी बहुत लोकां दा नशा छुड़ाया। साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक भी नहीं। अज तक असी तकरीबन, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो 10,000 लोगों का असी नशा छुड़ा चुके हैं। इतना इदे च की हैगा कि पहले दिन ही असर दिखा दिया। असी पहले दिन ही लोगों का नशा बंद करवाता। तोड़ एक तकलीफ बहुत होती है जो बंदा नशा करता है। जब साडे कोल पैसे नहीं होंदे असी सस्ते नशे वल भजदे आ, फिर असी गोलियां कैप्सूल खाने आ। हुण ओह नशा सब तो ज्यादा नुकसान पहुंचाउंदा है साडी बॉडी दे उत्ते। 51-52 दिन दे विच बिल्कुल नशा बंद करवा देंगे। वह बंदा खुद एक होगा कि अज मैं नशे नूं 1% भी मेरे शरीर नूं जरूरत नहीं है कि ते ना मैं करना चाहता। और असी इस चीज का दावा करते हैं कि तुसी एक बार साडा प्रोडक्ट वरतो। मैं इवन के भी कह सकता कि जे रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस ले। बी लाइफ मेडिकल नशा छुड़ाउंदा? बिल्कुल सर। चिट्टा ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा। गोलियां ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा। टीके ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा सर। पुक्की ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा। अफीम बिल्कुल बी लाइफ छुड़ाउंदा सर। डोडे ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा। कहंदे जीभ दे थल्ले रखण वाली गोली भी होंदी है, ये भी बी लाइफ छुड़ाउंदा। जेकर नशे कारण तुहाडा परिवार भी उजड़दा पिया है तां इह खबर सिर्फ खबर नहीं सगों एक जरिया है तुहाडे उजड़दे होए परिवार नूं बचाउण दा। तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं हां तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। रब जाने कि सरकारां नशे दा लक कदों तोड़न गियां, नशे दी सप्लाई कदों तोड़न गियां, पर तुहानूं अज इक ऐसा जरिया दसांगे जो तुहाडे नशे दी तोड़ नूं बेशक ही तोड़ देवेगा। साढ़े नाल अज मौजूद ने सुखविंदर सिंह जी। इन्हां कोलों पुछांगे, सुणिया भाजी कोई गिद्दर सिंह तुहाडे हत्थ लगी है, कहिंदे पहले दिन तो ही नशे दी तोड़ नूं तोड़ दिंदी है। नहीं, असी गिद्दर सिंह तां कोई नहीं हैगी, असी कोई चमत्कार वाले नहीं हैगे जां कोई जादू टोने वाले नहीं हैगे। साढ़े कोल मतलब एक बहुत पुरानी रिसर्च है, असी बहुत टाइम तो एक रिसर्च कर रहे सी कि नशे नूं किस तरह इसकी लत नूं तोड़िया जाए। तो असी एक प्रोडक्ट तैयार किया जो कि बी लाइफ, बी लाइफ का मतलब द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, जिहड़ा कि असी तकरीबन पिछले 1.5 साल तो इस प्रोडक्ट नूं बेच रहे हैगे आ। तो बहुत सारे लोगों का असी नशा छुड़ा सकते हैं, चाहे वह चिट्टा होवे, चाहे फीम होवे, चाहे भुक्की होवे, कैप्सूल इंजेक्शन, मतलब कोई भी नशा होवे, असी बहुत लोगों का नशा छुड़ाया। जो मतलब यह जे लोग भी मिले सानू जिन्हों का घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका सी, जिन्हों ने अपने घर के भांडे तक बेचते सी, वो लोगों दियां मैं कह सकदा कि परमात्मा ने सानू व्यापार भी दिता तो वह दिता जिहड़ा लोगों का घर बसा रहा है। बिल्कुल, मैं उही गल कह रहा सी बई घर उजाड़न वाले तो बहुत ने, पर घर उजड़ते हुए घर बचाउण वाला कोई कोई हुंदा है? तुसीं बहुत नेक काम कर रहे हो, पर आयुर्वेदिक है? बिल्कुल सर, ये 100% आयुर्वेदिक है और आयुष मंत्रालय तो पास प्रोडक्ट है। मतलब कि ये पूरी डॉक्टर की एक रिसर्च होंगी है, उस तो बाद इसकी फाइल तैयार होंगी है, और डॉक्टर अगे जो आयुष मंत्रालय च ने वो भी इस फार्मूलेशन पास करके बकायदा लाइसेंस नंबर देंगे ने, बैच नंबर देंगे ने, फिर जाके ये प्रोडक्ट मार्केट च दिता जाता है। एलोपैथी वेले का मतलब कि कहते हैं साइंस ने तरक्की की है, पर ज़्यादातर लोग समझते हैं भी एलोपैथी में की है, आयुर्वेद विच भी बहुत तरक्की हो गई है, मनिए? बिल्कुल सर, देखो साइंस किसी पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट वास्ते नहीं बनी हैगी। साइंस जिहड़ी हैगी आ उहदा काम है रिसर्च करना, ते लोकां दा मनना है कि आयुर्वेद बहुत हौली इलाज करती है, बहुत स्लो इलाज करती है, पर इस तरह का नहीं हैगा। कल्ली एलोपैथी वास्ते साइंस नहीं बनी सी, इह आयुर्वेद दे विच जिहड़े हैगे ने पहलां जड़ी बूटियां कुटियां जांदियां सी, लेकिन हुण जिहड़ा प्रोडक्ट है उह एक्सट्रैक्ट फॉर्म दे विच आउंदा, मशीनां आ गईआं, उही जड़ी बूटियां दे विचों अर्क कढ़िया जांदा है, ते उह अर्क जल्दी रिजल्ट दिंदा है। देखा जाए तो तुम देखो पुराने राजे महाराजे जो लड़ाइया लड़ते थे, तो की लगता उदो कि डॉक्टर से कोई नहीं सी, लेकिन उदो भी तो सिपाहियों का इलाज यह तो है नहीं भी 20-20 दिन वो एक जख्म में लेकर बैठे रहते थे, दर्द होता रहता जी, रोंद रहते नहीं, उन्होंने इलाज 1-2 दिन हो जाते हैं। मतलब अगर पिछले जाइए तो बहुत ज्यादा यह जी इलाज ने जोड़े कि साडे साइंटिस्टा ने वो आयुर्वेद ही लते है। तो एक बहुत 100% यूनीक प्रोडक्ट है, 100% सेफ प्रोडक्ट है, 100% आयुर्वेदिक। साइड इफेक्ट
कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक भी नहीं। अज तक असं तकरीबन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 10,000 लोगों का असं नशा छड़ा चुके हैं, अज तक सानू सिंगल साइड इफेक्ट नहीं आया है। एक्चुअली सवाल पूछना इस करके ये जरूरी सी क्योंकि आयुर्वेद का वैसे भी कोई साइड इफेक्ट होंगे नहीं, पर किसी ने कोई शंका ना रहे, कोई शक ना रहे, इस करके मैं जरूर पूछा क्योंकि साइड इफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल सर, देखो ये प्रोडक्ट जिहड़ा है, पहली गल तो यह अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, कोई एवं नहीं है कोई असं पुड़ियाँ बना के दें, कोई अखबार की पुड़ी पाड़ी तो वह कुछ पाता तो क्या खा लै तो उदो बाद साइड इफेक्ट आ गया तो असं क्या असी तो दत्ती नहीं हैगी। ये पूरा बकायदा मैनुफैक्चरिंग है, यदि बकायदा इतने लाइसेंस लग्या होया, बकायदा हर एक चीज़ की डिटेल ये उत्ते दत्ती गई है कि कि जड़ी बूटी कि हरबे दे विच पाई हुई है। तो इस करके बिल्कुल भी डरन की लोड़ नहीं या बिल्कुल भी घबराने की लोड़ नहीं, बिल्कुल 100% सेफ प्रोडक्ट है। मैं हुण कई लोगों नाल मिलिया है, वो कहिंदे भी सानू पहले दिन भी असर पै गया जिन्हां ने बी लाइफ ली है, हुण मैं सबबी मैनूं मिलन दा मौका मिलिया है, कहिंदे पहले दिन ही असर पै गया भी, इन्ना इहदे च की हैगा कि पहले दिन ही असर दिखाता। देखो सर, असी जिहड़े रिजल्ट लए ने, अगर मैं गल करा, मैं इस चीज़ का दावा भी कर सकदा, साडे कोल बहुत सारे टेस्टीमोनियल ने, असी नंबर तक दे सकदे आ, असी एड्रैस तक दे सकदे आ, वो घरे जाके पुछ सकदे ने, असी पहले दिन ही लोगों का नशा बंद करवाता। देखो प्रॉब्लम की होंदी है, जो बंदा जिहड़े मैं नशे वाले लोगों जिन्ने कु भी मिलिया हैगा उन्हां नूं प्रॉब्लम एक मैं लड़की नूं मिलिया, मैनूं जो सारियां गल्लां सुन लिया, मैनूं कहिंदी जी तुहानूं पता तोड़ की होंदी है, मैं कहा जी जरूरी तो नहीं, अगर मैं लत्त दा ऑपरेशन करदा तो मैं लत्त तड़वाउणी जरूरी है, वो हसन लग गए बल्कि, तो वह कहिंदे भी तोड़ इन्नी क ज़्यादा हुंदी है सानू भी, जी 8 बजे उठ गए 8:30 बजे साडा शरीर नशा मंगण लग जांदा, 9 बजे सानू तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो 10 बजे तक असी ये कह लो भी जां कंध नाल सिर मारदे आ जां इस स्थिति च आ जाने भी जां मर जाएंगे जां मर जाएंगे, लेकिन सानू नशा मिलना चाहिए किसी भी हाल के। लेकिन असी देखिया कि ये प्रोडक्ट असी कहने साडा प्रोडक्ट कोई भी नशा करन तो अद्धा घंटा पहला खा लो तो 1% भी तोड़ तकलीफ नहीं होगी, 1% दर्द नहीं होगा, तुसीं अपनी नॉर्मल लाइफ, तुसीं किते काम ते जाना काम ते जाओ, किसी फंक्शन ते जाना फंक्शन ते जाओ, ना ही देखो ज़्यादातर नशे नूं तोड़न लई की होंदा नशा दित्ता जांदा। मैं उही कह सवाल मेरा आन लग्या सी भी कहिंदे भी जदों नशे नूं हटाना होवे या तां कोई अल्टरनेट दित्ता जांदा है ते इक तोड़ इक तकलीफ बहुत हुंदी है जो बंदा नशा करदा उस नूं। बिल्कुल बिल्कुल, हुण देखो बहुत सारे नशे की ने, मान लो कुदरती नशे ने, भुक्की फीम हो गया, कुदरती नशा कह सकदे हैगे, जदों इह नहीं मिलदा या महंगा हुंदा, जदों साडे कोल पैसे नहीं हुंदे असीं सस्ते नशे वल भजदे आं, फिर असीं गोलियां कैप्सूल खांदे आं, हुण उह नशा सब तों ज़्यादा नुकसान भरा साडी बॉडी दे उत्ते, क्योंकि वह साडी बॉडी दे ऑर्गन तक इवन के नपुंसक तक बना दिंदा है, जिहदे करके फिर बंदा होर नशा करदा कि यार मैनू हाई डोज मिले या मैनू ये सैक्सुअल प्रॉब्लम आ गई, ये मैनू नशे नाल ही शायद सॉल्व होगी। तो कहने का मतलब कि प्रॉब्लम बहुत वड्डी हैगी है, लेकिन ये जिहड़ा साडा प्रोडक्ट है ये उस की कदे भी प्रॉब्लम नहीं आन दिंदा, चाहे वह नपुंसकता होवे या तुसीं देखोगे जदों मैडिकल नशा करदे हैगे तां लोग आत्महत्या तक कर जांदे ने या फिर ओवरडोज। मैं तां ये भी कह सकदा हैगा कि जे अज चिट्टे की गल करिए तो मैं ये सुनिया अखबारों से भी पढ़िया कि चिट्टा भी नकली आ रहा। देखो पहली गल तो नशा असली हो चाहे नकली वह नुकसानदायक है, लेकिन एक चीज़ आ रही है वह भी नकली, वो देखो कितनी घातक होगी साढ़े शरीर वास्ते, तो देखते हैं कि इंजैक्शन लगाउंदा लगाउंदा बंदे दे अंदर इंजैक्शन कढ़ भी नहीं पाउंदा तो बंदे की डैथ होई पई हुंदी है। तो साडा जिहड़ा प्रोडक्ट है असीं कहिंदे आ पहले दिन तो असर दिखाउणा शुरू कर दूगा और कोई तकलीफ नहीं होएगी। तुसीं कह रहे हो पहले दिन तो असर दिखाउणा शुरू करेगा, पर आयुर्वेदिक चीज़ या आयुर्वेदिक कोई भी जड़ी बूटी है असी सुने हैं कि वो हौली हौली उसका असर होंदा है, तुसी कह रहे हो पहले दिन ही असर। जी देखो ये गल सारी स्टडी दी आ गई, हुण तुसी देखोगे 15-20 साल पहला टीवी का इलाज नहीं सी, जदों असी डॉक्टर नूं मिलदे सी कि 20-25 साल पहला कि सर टीवी का इलाज है, वो कहिंदे नो, क्यों कहिंदे ने, क्योंकि उन्हां दी स्टडी छई नहीं है। लेकिन अज तुसी डॉक्टर लवे जाओ वो 100% कहेगा इलाज है, इहदा मतलब की है सिर्फ वो रिसर्च बारे जिन्ना क जानदा सी उन्नी क गल उहने पहला नो कीती, अज उहदा इलाज मिल गया तां यस कीती, लेकिन मिलिया कित्थों, मिलिया तां इत्थों ही ना, यानी कि असी सिर्फ रिसर्च वल नहीं पहुंचे हैगे। साडा प्रोडक्ट जिहड़ा हैगा वो 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ने, जिवें इहदे विच बहुत सारा कुचला भी पाया है या बहुत सारियां शंख पुष्पी, इस तरह कई जिहड़ियां जड़ी बूटियां ने जिहड़ी साडे शरीर नूं अंदरों स्ट्रोंग करदियां ने। तुसी अज मन के चलो तुसी डंबल ला रहे हो या जिम च चले जाने हो, शरीर दर्द करन लग जाता, तुसीं कहने यार मेरा शरीर दर्द करन लग गया, डॉक्टर वह बंदा कहता यार तुहाडे शरीर च जान नहीं। इस तरह जो बंदा वो नशे के अंदर फिरी जाता है, जो वो नशा छड़ता उसका शरीर वो झल ही नहीं पाता है, तो सब तो पहला साडे शरीर के अंदर जान पाता है, साडी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करता है, तो जेडे साडे अंदर ऊर्जा सैल ने जेडे घट चुके ने उन्हों वधाउंदा हैगा, जिस करके साडा नशे वल मूँह मुड़ना शुरू हो जाता। मतलब नशे की तोड़ नूं तां तोड़दा ही है बल्कि अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी अलग यही पैदा करता। बिल्कुल सर, देखो पहला नशा क्यों करता बंदा, पहला आनंद आउंदा उन्हों खुशी महसूस होंदी है, जब वह जी संगत चला जाता उन्होंने लगता कि यह वधिया चीज़ हैगी है, लेकिन एक टाइम यह जाता चाहे वह पैसा खत्म हो जाए उहदे कोल या उन्हें यह लगन लग जाते यार आप तो ये आदि हो गए या प्रॉब्लम आ गई, वो मजबूरी बन जाती है। हुण बहुत लोग मजबूर ने इस नशे को छड्डण लई, लेकिन उन्हां कोले कोई रस्ता नहीं, रस्ता की है जीभ थले रखने वाली गोली, जो जीभ थले रखने वाली गोली जाती है वो आम मैडिकल स्टोरों से तो नहीं मिलती हैगी, वो भी किसी मतलब हॉस्पिटल दूगा रिटर्न लिख के दूगा या जो नशा छड़ाऊ केंद्र ने उत्थे मिलेगी, लेकिन वो साढ़े लिए होर भी घातक है।
नशे बदले नशा देना कोई हल नहीं ना होया। जे नशा नहीं हैगा, देखो नशे का ग्राफ की है, उपर नूं जाऊगा। तुसी अज एक चमचा ला रहे हो, कल दो चमचे, कल छे चमचे, कल दस चमचे, यानी कि ग्राफ उपर जा रहा है। तो तुसी साडा जिहड़ा प्रोडक्ट है इहदा ग्राफ हमेशा थले आऊगा, नीचे आऊगा। भी अज तुसी चार पुड़ियां तो शुरू किया, फिर तीन पुड़ियां, फिर दो पुड़ियां, फिर एक पुड़ी, फिर बंद। यानी कि असी 21 तों 52 दिन दे विच, उह नशे ते डिपेंड करदा उह किहड़ा नशा कर रहा है, 21 तों 52 दिन दे विच बिल्कुल नशा बंद करवा देंगे। वह बंदा खुद ही कहूगा कि अज मैं नशे नूं 1% भी मेरे शरीर नूं जरूरत नहीं हैगी ते ना मैं करना चाहुंदा हैगा। क्या बात है, परमात्मा करे जिन्ने क भी नशा करन वाले ने ना, ना सिर्फ पंजाब विच पूरे देश विच दुनिया विच, ओ ए गल जरूर कहण वी साडे शरीर नूं अज नशे दी लोड़ नहीं। खैर तुसी गल कीती है वी कि शौकिया तौर ते नशा ला लैंदे ने, शुरुआत कर देंदे। कईआं नूं मैं ए वी देखिआ वी जिदा हुण कम दा बहुत ज़्यादा भार हैगा है, तां ओह बंदा तां कर लैंदा चलो बॉडी च एनर्जी रहे। कई बार बंदा सैक्सुअल पावर नूं वधाउण दे लई सैक्स तो पहला भी नशा करता है, या वो इस करके नशा करता है भी सैक्सुअल पावर उसकी बनी रहे, वो भी नुकसानदायक। बिल्कुल सर, बहुत नुकसानदायक है। देखो बहुत लोग फीम है, मन के चलो वो फीम अज ता नहीं छड़ते, कहते अटैक आ जूगा। बहुत बंदे यह जहाँ नशा भुक्की खाते हैं, वो सैक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए भी खाते हैं कि यार नहीं इस तरह मेरी टाइमिंग से फर्क पेगा, या किसी तरह की भी प्रॉब्लम, मतलब वो डर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने सही काउंसलिंग नाल दसिया जाए तो नॉलेज दिती जाए कि इस तरह का कोई इस तरह का तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तो क्योंकि यह 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इस करके किसी भी ऑर्गन के उत्ते नुकसान नहीं पहुँचाऊगा, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ा के तुहाडे अंदर जो होर भी बीमारियां ने, क्योंकि असी कल्ला है नशा नहीं छड़ा रहे, अंदर वो इम्यूनिटी नहीं स्ट्रोंग होगी तो वो दोबारा फिर करेगा। वो कहता यार शरीर फिर टुट रहा है, आप नशा लेके आओ, कोई गोली लियाओ या कुछ भी करो। यानी कि असं उन्होंने 100% वो जी इम्यूनिटी है स्ट्रोंग करके उन्होंने पहला वर्गा एक नॉर्मल इंसान बना देने। हूँ उस तो बाद अगर वह नशा करता है तो वह हो सकता मैं भी लग जा, फिर तो मैं अज नशा नहीं करता, तो मैं जो यह जी संगत दोबारा जाऊँगा जा जिते नशा बिक रहा है, ज खरीदया जा रहा है, ज खाधा जा रहा है, तो मैं भी लग सकता। वो उस तरह वो भी गल टुकती है कि तुसी उस तो बाद वो संगत नू छड़ोंगे। मैं तो यह कहूँगा वो संगत जिहड़ी कर रही है उन्होंने भी साडा प्रोडक्ट एक बार दो, और असी इस चीज़ का दावा करते हैं कि तुसी एक बार साडा प्रोडक्ट वरतो। मैं ईवन कि यह भी कह सकदा कि जे रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस ले लो। बहुत वड्डी गल कह रहे हो तुसी भी, जे रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखो साडी कोई असी ये अज नहीं बनाया, ये उत्ते रिसर्च हुई है, ये उत्ते ट्रायल लते गए हैं किड़ा नशा किन्ना करता उन्होंने किन्नी डोज चाहिए। लेकिन इन्ना मगी मैं कदे देखा नहीं किसी इन्ना कॉन्फिडेंस हो अपने प्रोडक्ट से कि जे रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस। देखो सर असी अज तुसी हुण ये भी कह सकते हो कि अज तो पहला क्यों नहीं प्रोडक्ट प्रमोट होया। हुण देखो असी बहुत जगह जिवें तरन तारण पट्टी अमृतसर बहुत इलाकों के असी प्रोडक्ट से नशा भी चढ़ाया। ईवन कि साडे जिहड़े लोग उस प्रोडक्ट नूं देण जांदे सी जां सप्लाई करदे सी उन्हां नूं फोन भी आ जांदे सी धमकी भरे कि यार तुसी अपने कम्मां तों सुधर जाओ, तुसी ये चीज़ क्योंकि नैचुरली गल है सर, असी कितें ना कितें उन्हां दी बिजनेस चेन तोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब जिन्हां दी नशे दी चेन टुटदी सी, जो नशा छड़दा सी उन्हां सप्लाई टुट गई ते ओह धमकी दिंदे सी। बिल्कुल सर, देखो दुकानदार ने उन्हां दा बिजनेस सी, हुण बिजनेस जदों असीं तोड़ांगे तां असीं हरेक बंदा कहिंदा मैं अपनी दुकानदारी बचनी है बचाउणी है, पर असीं कहिंदे आ वी यार अगर अज तुसीं तुहानूं कोई दिक्कत नहीं, असीं जिन्ना तक असीं जिन्ना बेच पाए बेचिया, लेकिन असीं देखो भी साडे रिजल्ट किन्ने आए, असीं किन्ने लोकां तक इह प्रोडक्ट पहुंचाता। साडे कोल इक घोषणा पत्र असीं बनाउणे हैगे आ, उहदे उत्ते लिखवाउणे आ कि हाँ तुसीं इह नशा छड्डिया किन्ने टाइम तों कर रहे सी और किन्ने डोज दे विच लै रहे सी, ते उह साडे कोल बकायदा साइन होए होए प्रूफ ने। असीं हुण तक हिडन काम कर रहे सी वी ठीक है यार साडी भलाई, इह समझ लो वी असीं जनता दी भलाई दे लई उह काम कर रहे सी, क्योंकि असीं लोक देखे ने मामा दे पुत मरदे देखे ने, वीडियोज़ आंदियां ने अजकल बड़ियां, मतलब लगता हैगा कि अच्छा देखो होर चीज़ देखो, अज तीन जनरेशन ने साडियां, एक बुढ़ापा हो गया, एक जवानी होगी, एक बचपन हो गया। साडी जवानी कित्थे जा रही है, वो बाहर चली जा रही है, क्योंकि माँ बाप नूं माँ बाप बच्चे नूं मुंडा क्यों चाहती है, मेरे लवे रहूगा, कुड़ी ब्याह के चली जाऊगी। लेकिन अज देखोगे तो 20 साल का मुंडा बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि माँ बाप नूं लगता अगर इत्थे रखिया तो गलत संगत पै के नशा कर लूगा। फिर साडे आंकड़े आते हैं कि कुड़ियां इन्नियां ने मुंडे इन्ने ने जी, मुंडिया मगर कुड़ियां इन्नी रह गई, ये आंकड़े कदों के ने, ये आंकड़े ने जन्म दे, लेकिन की ये आंकड़े 20-22 साल की उम्र तो बाद लते गए। उदों देखोगे तो कुड़ियां की ज़्यादा हैगी है, तो मुंडिया की जी रेशो है वह घट चुकी है, क्योंकि जवानी तो खत्म हो रही है, रेशो इतों ले लेंगे ने 1097 मगर 1000 लड़की हैगी है, भी बहुत घट है, लेकिन जेडे लड़के मर गए। हुण दसो ना 20 साल तो उम्र किन्नी रेशो रहेगी, 25 साल तो उम्र किन्नी रहेगी, 30 साल तो बाद किन्ने मुंडे रह गए कुड़ियां मगर। तो कहण का मतलब की है कि अज जिहड़ी जवानी है साड़ी वो बाहर चली जा रही है, रह गया बचपन, जिहड़ा उरे वाला बचपन है उत्थे खतरा मंडरा रहा है, जिहड़ा वो बाहर चले गए वो बचपन उत्थे चला गया। पंजाब या साडा देश तरक्की किवें करूगा जे नवा खून या नौजवान साडे देश दे लई कोई काम ही नहीं कर पाऊगा, क्योंकि वो नशे दे अज देखो जिहड़े इंजीनियर बनना चाहते सी, साइंटिस्ट बनना चाहते सी, डॉक्टर बनना चाहते सी, अज बाहर जाके लेबरां कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने उरे मेहनत का मुल मिलता नहीं, बाहर मिलता है। दूसरा वह सब तो बड़ा कारण नशा है,
और नशा अज कल्ला ये नहीं हैगा कि वो लोग मर रहे हैं जिहड़े नशा कर रहे हैं। तुसी देखोगे अज तुसी सिंगल रोड तो 11 बजे तो बाद जा नहीं सकते, सोनू सब तो पहली टेंशन है कि लुट लेंदे ने। लुटने वाला की लै रहा हो, उन्हें पता है कि जिहड़ा अज नशा कर लिया ये नशे दे विच ही मैं एक डाका होर मार लां ताकि मैं कल नू दूसरा नशा कर लवां। उन्होंने पैसे चाहिए ने और उन्होंने नशे दे विच नहीं पता चलता मैं की कर रहा हाँ, यानी कि ये नशा नहीं छड्या जाऊगा, वो क्राइम फ्री भी असी कितने ना कितने हो सकते हैं। जो नशा छुट्टेगा तो क्राइम भी घट बिल्कुल घट होएगा। लेकिन मैं ये भी लगता है भी जिवें तुसीं कहा भी जदों लोग बी लाइफ खा के ठीक हो रहे हैं या जिन्हां नूं भी नशे की आदत है तो वो लोग तुहानूं धमकियां देंदे ने जिन्हां दा नशे का कारोबार है। इस हिसाब नाल तां फिर तुसीं जिहड़े डी एडिक्शन सेंटर ने ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਲੀ ਲਵਾਓਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ। खर्चा माँ बाप नशा नूं छुड़ाउण लई कर सकदा लेकिन उन्हें यह लगता कि सेंटर दे विच जाके मैं कितने ना कितने जेल महसूस करदा। तुसीं किन्नियां खबरां पढ़दे हो कि वह सेंटर दे विचों मुंडा नशा छुड़ाउण लई भेजा सी, भज्जिआ आया क्यों ला भज्जिआ आया? कल्ली कौंसलिंग बंदा हुण कह दिंदा कि जी समझाउणा पऊदी, कौंसलिंग लाउणी पऊ। कौंसलिंग की उहदे माँ बाप ने नहीं लाई होगी, कि उहदे रिश्तेदारां ने नहीं लाई होगी, कि उहदे दोस्तां मित्रां ने कौंसलिंग नहीं लाई होगी, लेकिन नशा जदों उहदी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे, कारण ते नहीं जाओगे, उदों तक उहनूं जो मर्जी समझा दो उह कहूगा यार तुसीं नहीं समझा सकदे, मैनूं पता मैं की बीतरी हैगी है। तां उहनूं हल देणा पऊगा, ना कि समझाउणा पऊगा। समझण नाल कदे वी किसे ने नशा नहीं छड्डिआ हैगा। सुखिंदर जी कोलों सिद्धी तरां पुछांगे। सुखिंदर जी मैनूं नशिआं दे सारिआं दे नाम नहीं पता, मैं नोट करके लिआया बी लाइफ मेडिकल नशा छुड़ाउंदा है? बिल्कुल सर। चिट्टा ए भी बी लाइफ ही छुड़ाऊगा सर। गोलियां ए भी बी लाइफ छुड़ाऊगा सर। टीके ए भी बी लाइफ छुड़ाऊगा सर। पुक्की ए भी बी लाइफ ही छुड़ाऊगा। अफीम बिल्कुल बी लाइफ छुड़ाऊगा सर। ये डोडे ए भी बी लाइफ ही छुड़ाऊगा सर। कहिंदे जीभ दे थल्ले रखण वाली गोली भी हुंदी है, ए भी बी लाइफ ही छुड़ाऊगा सर। सारिया मर्जा का या सारिया मैं कहाँगा पीड़ा का हल, सारे नशे का हल बी लाइफ है? बिल्कुल सर, बी लाइफ हैगा। ये उत्ते मैं फिर उही गल करूँगा कि एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई हुई है, असी एक चार्ट दें, वो चार्ट के उत्ते लिखा हुआ है केड़ा नशा किन्नी मात्रा च लैंदा है। मेरा सवाल अगला यही सी, जे चिट्टा पोकी डोडे अफीम मेडिकल नशा सारी चीज़ों का इलाज बी लाइफ है, वो बी लाइफ खाना किवें है? तो एक चीज़ है बी लाइफ में किवें पता कि बंदा चिट्टा लाता है, बी लाइफ में किवें पता कि बंदा डोडे लेंदा है, बी लाइफ में किवें पता कि बंदा यह मेडिकल नशा करता है, किवें इलाज करेगा? देखो सर मैं उही गल करूँगा कि आयुर्वेद हमेशा कारण पर काम करती है। तुहाडा सिर दुखदा है, तुसीं एलोपैथी की गोली लौंगे, वो की हो गया एक रोग दब गया। अज तक कोई ये रिकॉर्ड नहीं है कि कोई एलोपैथी ले रहा तो वह रोग खत्म हो गया, वो दब गया। मन के चलो मैं बहुत उच्ची चला रहा, मैं चला रहा तो तुम मैं एक बंद कमरे च बंद करता तो उत्थे तुम क्या भी हूँ आवाज़ आनो हट गई, पर की सर मैं चिलानो हट गया? मैं तो नहीं चला रहा ना, यानी कि सानू एक एलोपैथी दवाई लई वो रोग नू दब दिंदी है, जिहड़ी थोड़े दिनों बाद फिर हो जाती है, चाहे बुखार है, चाहे वह सिर दर्द है, चाहे गोडे दर्द है, 8 घंटे लिए एक गोली असर करती है, चाहे जे तुसीं दर्द की लैनी हैगी है। लेकिन इन्हें कम करना कारण ते कि कारण की बनिया, और मैं जे कहां तो बॉडी साड़ी खुद एक डॉक्टर है, इनू अगर सही डोज सही खुराक दिती जाए तो साड़ी बॉडी खुद काम करती है, ये तो बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत अच्छी दवाई है, तो कुदरत बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन लेकिन एक किवें मतलब भुक्की वाले अफीम वाले किवें तो इन्हों किवें पता है भी ये बंदा ला लो 10 ग्राम 20 ग्राम चिट्टा लाता है या 50 ग्राम लाता है 100 ग्राम लाता है, क्योंकि डोज अलग अलग है, बी लाइफ में किवें पता? देखो ये इनू नहीं पता है, ये उत्ते उही गल आ गई, हुण तुहाडा सिर दुखदा, किसी का थोड़ा दुखदा, किसी का ज़्यादा दुखदा, किसी का होर ज़्यादा दुखदा, तो डिपेंड करता है कि ये किस वो उत्ते काम करेगा, कि उन्हूं गोली तो पैरासीटामोल ही लगनी है ना। तो ये वो एक चार्ट पाया गया, जिस चार्ट दे विच असी लिखिया होया कि तुसी केड़ा प्रोडक्ट किन्ना ले रहे हो, कोई तुसी भुक्की किन्नी खा रहे हो या फीम किन्नी खा रहे हो, गोलियां किन्नियां ले रहे हो, तो वो अकॉर्डिंग इहदी डोज बनाई गई है। तो ये डोज किवें चलती है, मन के चलो 4 दिन डोज चलूगी, उस तो 4 दिन फिर घट जूगी, उस तो 4 दिन फिर घट जूगी, उस तो 4 दिन फिर घट जूगी, और 21 दिन के अंदर मतलब ज़्यादातर जिहड़े हल्के नशे ने 21 दिन के अंदर बंद कर दिंदा बंदा, और ये दवाई भी बंद हो जूगी, और मैक्सीमम 52 दिन तक कोर्स होंदा जिहड़ा कि हायर लेवल ते हीरोइन चिट्टा इन्हां दे उत्ते चला जांदा हैगा, तां 52 दिन बाद इह दवाई ऑटोमेटिकली बंद हो जूगी, यानी कि इह नहीं हैगा कि नशे बदले नशा दित्ता जाऊगा। मतलब जे किसी भी तरह दा नशा कोई भी कर रहा है, चाहे चिट्टा है, भुक्की है, डोडे है, अफीम है, मेडिकल नशा है, किसी भी तरह दा नशा है, उस दे लई बकायदा तौर ते रिसर्च करके इस बी लाइफ दे डब्बी दे विच एक चार्ट जो है वह पाया गया है किन्ना नशा कर रहे हो तुसीं, उस हिसाब दे नाल डोज तैयार की गई है, किहड़ा नशा कर रहे हो, चिट्टा ला रही हूँ, भुक्की ला रही हूँ,
डोडे खा रहे हो, मेडिकल नशा है, जिहड़ा भी नशा है ते किन्ना कर रहे हो, परसेंटेज किन्नी है, 10 ग्राम लै रहे हो या ज़्यादा लै रहे हो, उस हिसाब के नाल पूरी रिसर्च करके इहदे विच एक चार्ट पाया गया है जिस तो कि तुहानू डोज का पता लग सके। ये रिसर्च करन नू किन्ना टाइम लग्या सुखविंदर जी? देखो सर, कोई भी चीज़ मेहनत बहुत, जिवें तुसीं कह रहे हो, हर एक बंदे नू किहड़ा नशा कर रहा है ते किन्ना नशा कर रहा है ते उहनू किन्नी डोज चाहीदी है इहदी, इहदा मैनू लगदा है कि बहुत ही ज़्यादा इहदे विच हार्डवर्क भी लग्गिया होणा ते रिसर्च भी लग्गिया होणा। बिल्कुल सर, देखो कोई भी चीज़ इन्नी आसानी नाल नहीं बनदी, उहदे पहलां ट्रायल लत्ते जांदे ने ते फिर ही मार्केट दे विच किसी चीज़ का दावा किया जाता है ना। जे तुसीं कहोगे कि हाँ ये अज बनाई तो कल नूं कहता भी ठीक कर दूगा, नहीं नहीं इस तरह नहीं हुंदा, इहदे बहुत सारे ट्रायल लत्ते जांदे ने, पहलां छोटे लेवल के नशे ते फिर उस तो होर ओवर जाने, फिर उस तो होर ओवर जाने, मतलब असीं फिर कईआं जणिआं दे उही तुहानू दस्सिआ घोषणा पत्र भरवाए कि किस तरह का लग रहा, उन्होंने सानूं सारी फीलिंग दसी। और असीं, मैं ये कहना कि इहो जिहे लोकां नूं प्रोडक्ट दिता, जिहड़े लोग यह कहें कि यार असी सामने बैठे रहे भी वो कहता मैंने 10 बजे तोड़ लग जू, तो बंदा कहता यार 8 बजे आ पाउच खा, 10-13 बजे तक बैठे हैं, वो 12-1 बजे 2 बजे तक वो सामने बैठे हैं, वो कहते यार मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैंने बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। तो यह एक रिसर्च के कारण ही हो पाया है, तो यह इवें नहीं है कि 1-2 महीने की गेम हैगी है, 1-2-3 महीने 4 महीने कुछ बन गया है ना। हर एक चीज़ में टाइम लगता, बहुत समा लगे इन रिसर्च करने के उत्ते, साडे डॉक्टर की टीम है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं रिसर्च किया है, यह साडे डॉक्टर की टीम हैगी है, साडे ऑफिस भी डॉक्टर ने, साडे मैनुफैक्चर के भी डॉक्टर ने, वो डॉक्टर इन्हों फार्मूलेशन देखते हैं, पास करते हैं, फिर जाके अगे प्रोडक्ट असं देने। मैं एक गल जरूर कहनी चाहूँगा कि तुम दुआवां बहुत खट्टियां होणगियां जिन्हां मावां दे पुत्तां नूं तुसीं बचाया है या माड़ी संगत तो हटाया है, तो ये बड़ा पुन्न का काम है। ठीक है, बिजनेस एक पासे है, बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन जो पुन्न तुसीं खट रहे हो ये किसी किसी के हिस्से आता है। साडे नाल गलबात करने लई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, तुहाडे खबरसार दे दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहांगा, तो तुसीं साडे इस प्रोडक्ट बारे आके गल कीती तां शुक्रिया। मैं कहा ना भी लोगों उजाड़न दियाँ खबरों का बहुत चलदियाँ ने ना, जिंदगी बचाने वास्ते भी जो कुछ करिए बेसिकली चंगा काम है। सर, साडा मिशन यही है भी नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त देश, असी जे किसी काम आ सकीए, मैं डॉक्टरों के अगे भी एक लिखी हुई देखता हूँ भी ठीक है मेरा काम चलता एक बीमारी नाल ही है, बीमार होणगे तां मेरा काम चलूगा, लेकिन असी शुक्र करते हैं परमात्मा का कि तुसी उस बीमारा नूं ठीक करन दी साडे लई सेवा दित्ती हैगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी। बी लाइफ ये जिहड़ा प्रोडक्ट है, जिवें सुखविंदर जी ने भी गल की है भी पहले ही दिन असर दिखाउणा शुरू कर दिंदा है, साडी गल ते विश्वास ना करो, सुखविंदर जी की गल ते विश्वास ना करो, उन्हां लोकां दी गल ते भी विश्वास ना करो जिन्हां नूं मैं निजी तौर पर मिलिया है ते जिन्हां ने दस्सिया भी सानूं पहले दिन ही फर्क पैना शुरू हो गया, सानूं तोड़ नहीं लगी। एक बार खुद अजमाओ, मेरे ख्याल इस तों वधिया गिफ्ट जे तुसीं किसे नूं करना है उस बंदे नूं जो नशे का आदि है, बी लाइफ तो वधिया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं सगों उजड़ते हुए परिवारों को बचाने का एक जरिया है बी लाइफ। तुसी जरूर थले दिते हुए नंबर पर कॉल करो, तुहाडे दिल में कोई भी सवाल हो, कोई गलबात करदिया साडे कोलों कोई सवाल रह गया हो, अपना सवाल पूछ सकते हो, नंबर हेठां चल रहे हैं बी लाइफ के, तो तुसी संपर्क कर सकते हो, तो योगदान भी पा सकते हो किसी के उजड़ते हुए परिवार को बचाने के। कैमरामैन मनोज दिनाल ठाकुर, अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।